औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों 18वीं सदी में क्यों ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया था यह वहाँ क्यों संभव हुआ और उस समय ही क्यों ये प्रश्न शुरू से विवाद के मुद्दे रहे हैं इतिहासकार मानते हैं कि इस तरह के व्यापक परिवर्तन किन्हीं एक या दो कारणों से नहीं बल्कि कई सकारात्मक परिस्थितियों के संयोग से होते हैं अठारहवीं शताब्दी में औद्योगिकरण के लिए ब्रिटेन में ऐसी क्या सकारात्मक बातें थी आइए देखें परिस्थिति ब्रिटेन शताब्दी में दृष्टि से सुदृढ़ और संतुलित रहा और इसके तीनों हिस्सों इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजा का शासन था इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था एक ही सिक्का यह एक मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी यह व्यापार के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ वहाँ के राज्य शासन ने व्यापार और उद्योगों को रोकने वाली व्यवस्थाओं को हटाया या कम कर दिया लेकिन राज्य ने उद्योगों में निवेश नहीं किया यह जरूर था कि सन 1830 तक राज्य ऐसी सीमा शुल्क लगाता था कि विदेशों से बने औद्योगिक उत्पादन ब्रिटेन में महंगे हो जाएं, लोग फिर इंग्लैंड में बनी चीज़ें ही खरीदते सन 1846 में शासन ब्रिटेन के उद्योग व कृषि की रक्षा के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को हटाने लगा यानी ब्रिटेन में किसी भी सामान का आयात या निर्यात करने पर एक समान सीमा शुल्क चुकाना पड़ता था इसे मुक्त व्यापार नीति कहते हैं जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और निजी पूंजीपतियों को स्वतंत्रता के साथ काम करने देता है ब्रिटेन यह इसलिए कर पाया क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन के उत्पाद इतने सस्ते हो गए कि ब्रिटेन को किसी दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा का डर नहीं रहा ख घरेलू बाजार औद्योगिकरण से किसी भी चीज का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है जिसे बेचने के लिए बड़े बाजार की जरूरत होती है देखें ब्रिटेन में यह कैसे बना सोलहवीं शताब्दी में राजनैतिक एकता और प्रशासनिक केंद्रीकरण के कारण संपूर्ण ब्रिटेन में एक आर्थिक नीति लागू हुई बाजार व्यवस्था में स्थानीय सामंतों या अधिकारियों का पहले जैसे कोई हस्तक्षेप नहीं था यानी वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे पूरे देश में एक कर व्यवस्था एक मापतौल और एक मुद्रा प्रणाली स्थापित हुई इससे पूरे देश में व्यापार करना आसान हो गया और देश में आंतरिक व्यापार तेजी से बढ़ पाया सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक आते आते ब्रिटेन में लेन देन में मुद्रा का व्यापक उपयोग होने लगा इससे पहले अनाज ही लेन देन का माध्यम था और वस्तु विनिमय व्यापक था लेकिन व्यापार के बढ़ने से सत्रहवीं सदी से वस्तु विनिमय कम होता गया और मजदूरी जमीन का लगान कर आदि नगद के रूप में ही अदा किए जाने लगे इसका एक और महत्वपूर्ण कारण था कृषि का व्यापारीकरण अब खेती घरेलू उपयोग के लिए नहीं बल्कि बिक्री के लिए होने लगी अतः गाँवों में मुद्रा का चलन बढ़ गया इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हो गया ग कृषि का व्यापारीकरण और कृषि क्रांति ब्रिटेन में पंद्रहवीं सदी से ही अनाज मांस और ऊन का व्यापार बढ़ रहा था इसके कारण बहुत से किसान बाजार के लिए उत्पादन करने लगे सत्रहवीं सदी में कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई जिस कारण ऐसे कृषकों को अधिक लाभ हुआ जब वहाँ के जमींदारों ने यह देखा तो वे खेती में रुचि लेने लगे उन्होंने किसानों को अपनी जमीन से हटाकर मुनाफे के लिए खुद मजदूरों से खेती करवाने लगे 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा जिसे कृषि क्रांति कहा गया है यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी जमीन से किसानों को बेदखल कर दिया आसपास के किसानों के खेत खरीद लिए और चारागाह जैसी गांव की सार्वजनिक जमीन को भी घेर लिया इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भूसंपदाय बना ली जिस पर वे नए तरीके से खेती करवाते थे या व्यावसायिक भेड़ पालन करवाते थे इससे खाद्यान्न ऊन और मांस का उत्पादन तो बढ़ा मगर किसानों से आजीविका छीन गई इससे भूमिहीन किसानों और गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अपने पशु चराने वाले चरवाहों को कहीं और काम धंधे तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा इस तरह कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को दोहरा लाभ पहुंचाया पहला खेती और उत्पादन को पूर्णता व्यापार के उद्देश्य के लिए करना और दूसरा कृषकों को औद्योगिक मजदूर बनाने में मददगार होना घ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपनिवेश सत्रहवीं सदी के अंत तक ब्रिटेन के व्यापारी चीन भारत अफ्रीका अमेरिका आदि में सक्रिय व्यापार और राजनीति में लगे हुए थे इस कारण ब्रिटेन में धन और पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी अमेरिकी उपनिवेशों के कारण उन्हें सस्ते में कपास अनाज आदि उपलब्ध हुए इसके बदले में ये उपनिवेश ब्रिटेन में बने औद्योगिक उत्पादों को खरीदते थे ब्रिटेन के महानगर विश्व व्यापार के केंद्र बन चुके थे इस कारण वहाँ पर बैंक आदि वित्तीय संस्थाएं बनी जो किसी भी आर्थिक परियोजना के लिए वित्त उपलब्ध करा सकती थी ब्रिटेन में कारखाना लगाने के लिए ये सब सुविधाएं बहुत काम आई औद्योगिकरण के लिए चाहिए कि जरूरी मात्रा में पूंजी अर्थात धन उपलब्ध हो जिसे मुनाफे के लिए निवेश किया जा सके यह किसी का व्यक्तिगत धन हो सकता है या बहुत से लोगों का धन जो बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मिले दूसरी जरूरत बाजार की है उत्पादित सामान को खरीदने के लिए लोग तैयार हों और उन तक सामान को आसानी से और कम खर्च में पहुंचाया जा सके यानी खरीदारों को बाजार से खरीदने की जरूरत हो और उनके पास पैसे हों साथ ही औद्योगिक उत्पादन पर अनावश्यक कर न लगे और परिवहन की सुविधा हो ताकि कम खर्चे में सामान दूर दराज के ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके तीसरी जरूरत है कामगारों की जो कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हों और जिनके पास इस मजदूरी के अलावा और कोई जीविका का साधन न हो चौथी जरूरत है सस्ते में मगर नियमित रूप से कच्चे माल की आपूर्ति हमने देखा कि किस प्रकार ब्रिटेन के औद्योगिकरण को उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपनिवेशों ने संभव बनाया